अब आपको ये कही यार इस बैटरी में करंट कितना है, अब ये बताओ मुझे एम्पियर्स कितने स्टोर है। आप बोलोगे यार 150 एम्पियर की बैटरी है, 150 एम्पियर की बैटरी 150 ही होगा। नई बैटरी खरीद के लाया हूँ, फुल्ली चार्ज हो गई है, दो दिन से चार्ज हो रही है तो फुल्ली चार्ज है, ठीक है। अब मैं आपको रैंडमली एक कोई लेके आ जाता हूँ, दो साल पुरानी है, छोड़ो मेरी बात, दो साल पुरानी बैटरी है, उसको आपने फुल्ली चार्ज कर दिया बिल्कुल 13 वोल्ट पे दिखा दिया है, क्या वो 150 एम्पियर होंगे उसके अंदर? 12 वोल्ट की बैटरी है हमारे पास, आज मैं नई खरीद के लेके आया हूँ, मैंने उसको पूरा चार्ज किया। जो नई बैटरी आती है वो 50% पे होती है, वो किसी से भी खरीदोगे ना यूनर से 50% पे होती है, आपको चार्ज करना होता है उस बैटरी को। कभी भी कस्टमर के मत बोलते ना आज ही आज से बैकअप फुल मिलेगा, दो दिन लगते हैं बैटरीज को फुल चार्ज हो जाए। हाँ सभी बैटरीज हाफ चार्ज पे आती हैं, कोई बैटरी फुल चार्ज कर नहीं देता बैटरी का, ठीक है। उसको फुली चार्ज करना होने तो दो दिन लगे हैं, तो उसके बाद बोलना सर आप कमीशन हो गया सिस्टम आप डालो फुल लोड। रीज़न क्या है बैटरी की लाइफ कम हो जाती है अगर जो फुल आप चार्ज करके देते हो, क्योंकि देर देर ट्रांजिट टाइम, समझ रहे हो, बैटरी में इंटरनल डिग्रेडेशन होता है। किस बात का? कि भाई जो केमिकल प्रोसेस है ना एसिड है वो बैटरी को हमेशा खाता रहता है अंदर से, अगर जो फुली चार्ज करके आपको भेज देंगे बैटरी से फुली चार्ज फैक्ट्री से फुली चार्ज हो गई आप तक आते आते उसको एक महीना लग गया, एक सवा महीने वो बिल्कुल इंसान खाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बैटरी वो आधी करके बेचते हैं फैक्ट्री से, और जब आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है ना वो भी थोड़ा सा चार्ज करता है उसको, ठीक है। पर जब कस्टमर के यहाँ लगती है देन यू चार्ज इट फुली। आप कभी भी अपना नया फोन खरीदना नया बैटरी लगाना है चालू करना 41% से ज़्यादा मिलेगी नहीं, कभी नहीं मिलेगी गारंटी ऐसा बोल रहा था। टू कंजर्व द बैटरी लाइफ आप ये ध्यान रखो जब भी बैटरी को चार्ज करते हो एक साइकिल जाता है बैटरी का साइकिल होता है, ठीक है। हर बैटरी के 2000 साइकिल्स होते हैं, जैसे हमारी नॉर्मल लेड एसिड बैटरी होती है ना घर में लगती हैं, लेड एसिड 12 वोल्ट 150Ah 200Ah 180Ah ये अलग अलग एच की होती हैं, दे ऑल हैव अ साइकिल ऑफ 1800-2000 साइकिल्स, यानी आप 2000 बार इस बैटरी को 100% चार्ज करो 50% कर लेके आओ फिर 100% चार्ज करो फिर 50% कर लेके आओ, दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। दिस साइकिल की जो वोल्टेज है 50% दैट इज डिसाइडेड बाय डिफरेंट, कोई बोलता है मेरी बैटरी को 30% तक यूज कर सकते हो, कोई बोलता है 25% तक यूज कर सकते हो, कोई बोलता है 20%, कोई बोलता है भाई 50% यूज करना इससे ज्यादा करना, ठीक है। और दैट डिपेंड्स ऑन एक बार आपको है ना टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा देंगे, बैटरी जब टेस्ट होती है तो नॉइस के अंदर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है वो बैटरी की टेस्टिंग में क्या पैरामीटर्स चेक कर रहा होता है। तो आजकल जैसे विपिन ने बताया कि 2000 साइकिल्स तक होती है वो इंक्रीज कर चुके हैं, तभी वो 5 साल 5 साल की वारंटी देने लगे, ठीक है। बैटरी लगानी है ना तो सबसे पहले इस तरफ जैसे इन्वर्टर है तो इन्वर्टर के अंदर, लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर, हार्डवेयर के अंदर एक सेटिंग होती है वेयर इन दे डिसाइड कि जो बैटरी मैन्युफैक्चरर है ना वो उसको लिख के देगा कि भाई इस बैटरी को आप 30% से नीचे डिस्चार्ज नहीं करोगे, आपका सिस्टम ऐसे डिजाइन करोगे कि एज सून एज द बैटरी रीचेस 30% सिस्टम शट डाउन, ठीक है। जो इन्वर्टर भूल जाते हैं
घर में इन्वर्टर है, सिटी मार जाते हैं, दे मेक अ साउंड. व्हाई? दे कॉन्स्टेंटली चेक द वोल्टेज. अब आपका क्वेश्चन आता है कि ये 30% 40% 20% क्या है? वोल्टेज का लेवल. ठीक है, इट इज ऑलवेज वोल्टेज का लेवल, नॉट द अमाउंट ऑफ एम्पियर्स. आप पूछे थे कि भाई एम्पियर करंट कैसे मेजर करो, वो वही है. एम्पियर्स को आप कभी भी इस तरह से मेजर नहीं कर सकते कि बैटरी के अंदर कितना एम्पियर स्टोर्ड है. छोटी सी लो होगा तब होगा, छोटी सी मार्केट की. हाँ, आप है ना, आजकल देखो इन्वर्टर वाले अपनी ब्रांडिंग कैसे करते हैं, किसी भी बैटरी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं. वो जो किसी भी बैटरी के साथ होता है ना, वो जो नॉमिनल वोल्टेज बैटरीज की लिखी होती है ना, वो सारी कंपनी से ले लेते हैं कि आपकी बैटरी क्या नॉमिनल वोल्टेज है. अपने इन्वर्टर के अंदर सेटिंग वही कर देते हैं कि जो लास्ट कट ऑफ हमारे ना इस वोल्टेज पे जा रही है, एवरेज निकाल के ये देखे कि जो वर्स्ट सिनेरियो होगा उसको हैंडल कर लिया इन्वर्टर. जो टेक्नोलॉजी जितनी बनती है वो वर्स्ट केस सिनेरियो पे डिजाइन होती है. जैसे बैटरी यूज करते हो पोटेंशियल कम होता रहता है. हाँ, जो एक फुली चार्ज बैटरी होती है ना, बिल्कुल फुली चार्ज, वो 13.5 से 14 के बीच में होती है. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज 14 से शुरू करते हैं हम, लेट अस से 14 से कम किया 13.9 13.8 13.7 करते करते हम इसको ले आए 12 वोल्ट्स पे. ठीक है, वोल्टेज बैटरी की हमारे नॉमिनल की कीमत 12 वोल्ट होती थी ना, 11.5 वोल्ट पे सारे इन्वर्टर्स बंद कर देंगे आउटपुट देना. ठीक है, 11.5 वोल्ट्स पे इट इज कंसीडर्ड दैट द बैटरी इज डेड. अब मैंने कहीं पे भी आपको ये बोला कि 150 एम्पीयर्स में से कितने बचे, मैंने नहीं बोला ना, मैं वोल्टेज की बात कर रहा हूँ ना, वो यही है जो आपका ये हाइट है ना, इसकी टंकी में पानी की हाइट है, वो है. लेवल नीचे आता गया, नीचे आता गया. अब मैं एक चीज़ आपको बहुत सिंपल सी बताऊंगा. जब आप एक टंकी होती है ना, पानी की टंकी होती है, उसमें नीचे आउटलेट का पाइप लगता है. आप कभी भी ध्यान देना, वो आउटलेट का पाइप ना तली से 2 इंच ऊपर उठा के लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? ताकि बिल्कुल खाली ना हो, टंकी बिल्कुल खाली ना हो. एक दूसरा तरीका ये है कि एक ऐसा भी तो कर लो, टंकी को थोड़ा सा दो फुट ऊपर उठाओ, टंकी के बीच में छेद करो यार, सारा पानी निकालो. क्यों नहीं करते? कोई नहीं करता ये. Why? Because जो आपकी टंकी है वो 500 लीटर की टंकी है. 500 लीटर की टंकी में जब 500 लीटर पानी भरेगा तो उसका सारा बोझ सेंटर में आता है, और जो सेंटर में ही छेद करके आप लगा दोगे ना, इट विल बिकम वीक. बट इसमें क्या केस होता है, जो वोल्टेज होती है वो हमें मेंटेन करनी होती है बैटरीज के अंदर. अगर हम स्विच करें, वी नीड टू हैव दैट 20% वोल्टेज इनसाइड सो दैट इट कैन गेट चार्ज अगेन. एंड दिस थिंग इज कैन बी कंसिडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो तभी शुरू होगा. बैटरीज के ऊपर वो अंदर प्लेट्स हैं कॉपर की, ठीक है, दे बिकम कैल्सेटेड. उनके ऊपर वो कैल्शियम जो अंदर का जो मटेरियल है ना, जो एसिड है, वो जमता जाता है एज दे कीप डिस्चार्जिंग. ठीक है, और जब चार्जिंग होती है उसमें करंट आता है, देन द करंट विल फ्लो इन रिवर्स, द आयंस विल गेट डी एंटैंगल्ड फ्रॉम द प्लेट. प्लेट में से निकल के वो वापस उस सोल्यूशन के अंदर चले जाएंगे. ठीक है, वापस सोल्यूशन के अंदर चले गए, आपकी बैटरी चार्ज हो गई. वापस उस प्लेट के साथ चिपक गए, आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई. दिस इज द एंटायर केमिकल प्रोसेस. आप बिल्कुल अंदर का केमिकल प्रोसेस अपने स्कोप से भी बाहर चला जाएगा. ये वजह की बात है, हमें देखनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए बैटरी 12 वोल्ट पे होती है कोई भी. ठीक है, एम्पियर्स हो सकते हैं कितने सर? सबसे कम कितना 12 वोल्ट की बैटरी छोटी कौन सी आती है? 12 वोल्ट नहीं, 12 वोल्ट नहीं, 12 वोल्ट पे सबसे कम एम्पियर 35 एच ना. तो 12 वोल्ट पे आपको सबसे छोटी बैटरी आती 20 की मेजर में सर, 20 की नहीं, 35 है. तो 35 एच से शुरू होती है 12 वोल्ट 35 एच, एंड दे कैन गो अप टू 200 एच 220 एच मैक्सिमम. मैंने जो देखी है 220 एच देखी है. ठीक है सर, वन पावर वोल्ट पे लेंगे, 2 वोल्ट पे लेंगे, 2 वोल्ट्स दैट इज अ सेल नॉट अ बैटरी. नॉर्मल कैसे है बैटरी सेल स्मॉल बैटरी लिथियम आयन भी नहीं है, नॉर्मल लेड एसिड है, लेकिन वो 2 वोल्ट पे है. 2 वोल्ट के 1000 एम्पीयर के सेल होते हैं, वो इतने ऊंचे रहते हैं. मेटल का होता है वो, प्लास्टिक बॉडी में कभी नहीं मिलेगा आपको सेल. जो एच है ना, जैसे ये ह्यूज जो बैटरी बैंक्स होते हैं, जैसे आप एक मोबाइल टावर की बात करो, यहाँ पे ना 20 मील पे एक बी एस एन एल का ऑफिस है,
पे क्या है सिनारियो, उन्होंने सोलर भी लगा हुआ है टावर के साथ, वेरी गुड, सारा बैटरी बैंक से ही रन होता है 24 hours 24/7 वो बैटरी बैंक से चलता है। वहाँ पे बैटरी बैंक जो है वो 600 AH है, 600 AH, हाँ 2 volts सिस्टम, 2 volt द बैटरी बैंक इज एट 2 volt, सिस्टम विल ऑलवेज बी एट 220 volts AC, 2 volt को 220 volt AC में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज द वर्क ऑफ इन्वर्टर। यहाँ से जैसा मिल रहा है, जो मिल रहा है सब कुछ ले लो, कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड क्या है 220 volts AC। नाउ फोल्ड योर बुक्स, फोल्ड योर बुक्स, रिलैक्सिंग टाइम, बहुत बढ़िया, बहुत तरीका है, बहुत कुछ सुनाती है ज़्यादा नहीं, सुबह से अभी पेट पूजा करो, नहीं चले ना आप अपने जो बैग्स वगैरह हैं वो ऊपर रखो, मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा कुछ बात। Yeah.